a Dev first target. Shahab 3 se dehlega Israel. सेट जिल से उड़ेंगे यूएस के जंगी बेड़े। ईरान इजराइल टक्कर, ट्रंप लाएंगे बड़ा ट्विस्ट। विस्फोटक विध्वंसक हथियार, महाविनाशकारी प्रहार। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। समंदर में ईरान अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने उतर गया है। बैटलशिप, मिसाइलें, डिस्ट्रॉयर और महाविनाशकारी हथियारों से लैस ईरानी नेवी तहलका मचा रही है। इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेने का ऐलान भी ईरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है, लेकिन ईरान के तैश में आते ही अमेरिका बैकफुट पर चला गया। बाइडन ने ईरान के जवाबी हमले पर क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। What's your message to Iran, Mr. President? What's your message to Iran? Former President Trump said. What's your message to Iran, Mr. President? What's your message to Iran? Former President Trump said. इजराइल भी ईरान के गुस्से और बदले की आग को देख थर्रा गया है, लेकिन ईरान अब रुकने वाला नहीं है। किसी भी चाल में फंसने के लिए खामनेई रेडी नहीं है, क्योंकि ईरान में घुसकर हानिया का मर्डर, गाजा में मोहम्मद दईफ का सफाया, लेबनान में हिजबुल्ला की पिटाई, यमन में हूथियों पर हमले, क्या क्या बर्दाश्त करेगा ईरान? ईरान के बर्दाश्त की हद पार हो गई है। ईरान के पास जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ईरान सब्र का और इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सर्वेसर्वा अली खामनेई ने इजराइल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाइल ताकत का एहसास कराने का मन बना लिया है। ईरान धमकी की बजाय अब धमाके के मंसूबे बना चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार से मचने वाली तबाही का अनुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है। सही मायने में कहा जाए तो सुपर पावर ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। प्रेसिडेंट जो बाइडन का ये बयान फिर सुनिए। सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है। What's your message to Iran, Mr. President? What's your message to Iran? Former President Trump said. What's your message to Iran, Mr. President? What's your message to Iran? Former President Trump said. प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यह अपील डेलावेयर में चर्च से निकलते हुए की है। बस एक शब्द में उन्होंने आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाने की गुजारिश ईरान से की है। इसकी वजह क्या है? क्या अमेरिका को ईरान से भिड़ने में डर लग रहा है? क्या अमेरिका को इजराइल की तबाही का खौफ सता रहा है? क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड में अकेले पड़ चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में सुपर पावर की हस्ती मिट सकती है? ईरान के तेवर और ताकत तो यही सिग्नल दे रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान हो ना हो, इजराइल को ईरान पूरी तरह बर्बाद करके रहेगा। ईरान को जब से रूस से हथियार और सपोर्ट मिला है, तब से ईरान अटैकिंग मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद रूस ने ईरान की 15 साल पुरानी डिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया।